हेलो एवरीवन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये दो स्विच दो सॉकेट के कनेक्शन करने वाले हैं जिसमें एक स्विच हमारा इस सॉकेट से काम करेगा और एक स्विच हमारा इस सॉकेट से काम करेगा तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये हमने एक लूप वायर लेकर के यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर लिया है जहाँ पर हमें फेस कनेक्ट करना है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे ये तो दोस्तों ये वायर का टुकड़ा ले करके हम एक स्विच में लगा करके और ये जो हमारा सॉकेट है इसमें लगाएँगे तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे इसे टाइट करेंगे दोस्तों कनेक्शन हमें प्रॉपर तरीके से टाइट करने हैं ताकि कोई लूजनेस ना रहे तो पहले हम इसे थ्रीविन सॉकेट पे यहाँ पे लगाएंगे लगा करके यहाँ पे इसे टाइट करेंगे टाइट दोस्तों हमें प्रॉपर तरीके से करना है और जो भी भाई मेरे इलेक्ट्रिकल से इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ तो अभी हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में अब स्विच पे कनेक्ट करेंगे दोस्तों ये स्विच बोर्ड जो थोड़ा पुराना है तो दोस्तों बस ये आपको मैं एक नॉलेज परपज से बता रहा हूँ कि आप इस तरह से मतलब किसी भी स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं तो ये यहाँ पर हमने कर लिया अब हम दूसरे जो सॉकेट है हमारा इसमें भी इस तरह से ही कनेक्शन करेंगे तो पहले इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इसे लूज़ करेंगे लूज़ करने के बाद में यहाँ पे से लगा करके टाइट करेंगे क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक स्विच से एक सॉकेट काम करेगा और एक स्विच से एक सॉकेट काम करेगा तो इसे हम यहाँ पे टाइट कर ले लेते हैं प्रॉपर तरीके से और फिर इसे दोस्तों इसका दूसरा सिरा हम ये अपने जो हमारा सॉकेट है इसे यहाँ पे लगा करके इसे भी टाइट करेंगे तो इसे हम टाइट कर लेते हैं दोस्तों दोस्तों कनेक्शन आपको हमेशा टाइट करने हैं ताकि दोस्तों बाद में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी में है मतलब जब इसमें करंट प्रवाहित होगा तो इसमें कोई स्पार्क वगैरह ना हो तो हम कनेक्शन हमेशा दोस्तों अपने टाइट करेंगे तो ये दोस्तों हमारा हो चुका है तो दोस्तों हमारे मतलब इसके कनेक्शन हो गए अब हम दो वायर लेंगे न्यूट्रल फेज न्यूट्रल फेस लेकर के अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये हमारा एक वायर का टुकड़ा हमने ले लिया है और ये दोस्तों हमारे न्यूट्रल फेस हैं दोस्तों ये न्यूट्रल फेस हमने दोनों रेड कलर के लिए हैं तो इससे दोस्तों आप कन्फ्यूज़ ना हो कि ये दोनों रेड कलर के वायर हैं तो ये दोस्तों हमने एक वायर यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों न्यूट्रल हमें यहाँ पे भी देना है और दोस्तों ये जो हमारा थ्री पिन सॉकेट दूसरा है यहाँ पर भी देना है तो दोस्तों यहाँ से ही हमने एक वायर लेकर के उसे यहाँ से ही लो करके आगे ले जाएंगे तो इसे हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं तो ये दोस्तों हमारा टाइट हो चुका है और अब इसे दोस्तों जो हमारा थ्री पिन सॉकेट है इसके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसे अभी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियोस कोई भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि मैं इस तरह की कंटेंट बनाता रहता हूं आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो इस तरह की वीडियोस दोस्तों आपको काफ़ी मिल जाएंगी तो इसे भी हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं ये दोस्तों हमारा टाइट हो चुका है तो न्यूट्रल के कनेक्शन हो चुके हैं अब ये दोस्तों हमारा फेस वायर है अब फेस वायर दोस्तों ये जो हमने दोनों स्विच हैं इसी यहाँ पे जो लूप करके एक वायर डाला हुआ है यहाँ पर हम इसे लगाएंगे तो इसे हम थोड़ा पहले लूज़ कर लेते हैं लूज़ करने के बाद में दोस्तों जधर से आपको लगा कि इधर से वायर हमारा आराम से लग जाएगा आप उधर से अपना वायर लगा सकते हैं तो हम इधर से अपना वायर लगाएंगे इसे थोड़ा लूज़ करेंगे वो दोस्तों लूज़ करने के बाद में दोस्तों ये हमारा अच्छे से चला जाएगा तो ये दोस्तों हम इसे यहाँ पर डाल करके यहाँ पर इसे टाइट करेंगे दोस्तों मैं इसकी आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊँगा कि इसमें हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो अंत तक बने रहना तो ये दोस्तों हमारा बोर्ड हो चुका है रेडी ये दोस्तों न्यूट्रल फेस सामान्य दोनों रेड कलर के लिए हैं यहाँ से न्यूट्रल गया यहाँ पे दोस्तों आ गया और इस एक स्विच से ये काम करेगा और एक स्विच से हमारा दूसरा सॉकेट काम करेगा तो ये दोस्तों बन करके कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है और अभी हम इसे टेस्ट करने वाले हैं तो चलो दोस्तों इसे अब हम टेस्ट करते हैं तो दोस्तों ये हमने एक बोर्ड है इसमें इसे लगा करके ये दोस्तों यहाँ पर इसे लगा लिया है तो हम इसे स्विच ऑन किया ऑन करने के बाद में दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसमें हमारा करंट आ रहा है नहीं तो हमने स्विच ऑन किया तो आप देख सकते हैं इधर दोस्तों हमारा न्यूट्रल है तो नहीं ये ग्लो नहीं कर रहा है ठीक है दोस्तों ये दोस्तों देख सकते हो और भी हम दूसरे पॉइंट में करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा ग्लो कर रहा है ठीक है अभी हम दूसरे सॉकेट में भी इसे डालने वाले हैं तो ये दोस्तों देख सकते हो इसमें नहीं आ रहा है अभी हम दूसरे में डालेंगे तो दोस्तों आप ये थोड़ा ध्यान से देखना ये दोस्तों ये हमारा देखो ये करंट हाथ में आ रहा है तो ये दोस्तों हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी स्विच सॉकेट के कनेक्शन कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू दोस्तों